कुल्लू में भारी बारिश से तबाही का मंजर लगातार जारी है। अभी भी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन अभी भी हालात में कोई सुधार नहीं। यहां पर लोग अपने सपनों के आशियाने छोड़कर जाने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी हैं। लोगों में डर का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। कई लोगों के आशियाने बह गए तो कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी लोग इस आफत से उभर नहीं पाए हैं कि कुल्लू की ये तस्वीरें फिर सबको डराने लगी हैं। कुल्लू में लोगों के आशियानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर नई दरारें उभर रही हैं, और ये दरारें छोटी नहीं हैं, ये दरारें डराने वाली हैं। इसकी वजह से हजारों लोग दर्द में हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अपने घर के टूट जाने का संकट है। ये तस्वीरें कुल्लू के धार्मिक नगरी मणिकरण का ब्रेउना गांव की है, जहां ये गांव अब भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गया है। गांव में भूस्खलन से बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, और गांव के 6 मकान, मंदिर और स्कूल तो पूरी तरह से झुक गए हैं। गांव की स्थिति कुछ ऐसी है कि ये गांव एक दो दिन में गिरने की कगार पर है, और वहां के ग्रामीणों में भय का माहौल है। ऐसे में लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने कुल्लू प्रशासन से मांग की है कि जल्द उनके रहने की व्यवस्था की जाए और भूस्खलन से बाकी घरों को बचाने की कोई व्यवस्था की जाए। वहीं इस भूस्खलन को लेकर बीजेपी नेता नरोत्तम ठाकुर ने ग्रामीणों के साथ डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ भी मुलाकात की। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि कई मकान गिरने के कगार पर है, अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो बाकी घर भी गिर सकते हैं और ग्रामीणों को खासा नुकसान होगा। अभी तक 2 मकान गिर चुके हैं और 8 मकान गिरने के कगार पर हैं। ब्रेउना गांव में जो है भूस्खलन के कारण लगभग पूरा गांव जो है खतरे की जद में है। अभी तक 2 मकान बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 8 मकान जो है क्षति एक दो दिन के अंदर जो गिरने वाले, ऐसा मुझे बताया गया है। और नैना माता का मंदिर जो कि बिल्कुल बीच गांव में था, जहां कोई चांस नहीं लग रहा था, बिल्कुल सेफ जगह था, वो भी उसमें भी क्रैक्स आ गए हैं, वो भी जो है डैमेज होने वाला है। तो लगभग पूरा का पूरा गांव जो है समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैं एक बार कुछ दिन पहले खुद भी गया था तो काफ़ी 2 किलोमीटर घूम के जो है ऊपर जंगल से होके जो गांव में पहुंचना पड़ रहा। तो ऐसा पूरे गांव में दरार पड़ी है, मुझे लग रहा है कि उस पूरे गांव को जो है पुनर्वास करने की आवश्यकता है। हालांकि इससे पहले डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का बयान सामने आया था कि जिला कुल्लू में राहत कार्य में तेजी लाई गई है। भूस्खलन से जो भी परिवार प्रभावित हुए हैं उन्हें राहत राशि व अन्य सामग्री दी गई है, लेकिन कुल्लू में हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, चाहे उनके घरों को नुकसान हुआ है या उनकी शॉप्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, ढाबे या जो भी लाइवलीहुड के लिए उनका सोर्स था उस जगह को नुकसान हुआ है, तो उन दोनों केसेस में जो है इमीडिएट रिलीफ सरकार के द्वारा रेवेन्यू विभाग के माध्यम से फील्ड में दिया जा रहा है, और इसमें ऑलमोस्ट 5 करोड़ की राहत राशि जो है वो ऑलरेडी वितरित की जा चुकी है। और जो बाकी के लोग हैं जिनको अभी कुछ इनिशियली फौरी राहत दी गई थी, उनको भी बैलेंस अमाउंट जो है वो जल्द से जल्द देने की हमारी कोशिश है। हालांकि लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अपने सपनों के आशियानों को यूं टूटता देख लोगों की जुबान पर मदद की गुहार है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।